हेलो एवरीवन, वेलकम इन विथ लाइफ चैनल। कैसे हैं आप लोग? आप अच्छे होंगे। आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो वेडिंग बनारसी सिल्क साड़ी हॉल है। मैंने ये अमेज़ॉन से ही साड़ियाँ परचेज़ की हैं, तो मैं इसका रिव्यू शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और सारी ही साड़ियाँ कलर वाइज और क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छी हैं। कुछ इस तरह से हैं, मैंने पिंक और रेड कलर में ली है। जैसे ये वेडिंग स्पेशल साड़ी हॉल है तो मैंने ब्राइडल कलर ही चूज़ किए हैं कि जो आप इजीली शादी में पहन सकते हैं या आप किसी भी फंक्शन में पहन सकते हैं। बहुत ही प्यारी हैं ये साड़ियाँ और अफोर्डेबल रेंज में मुझे मिली हैं, तो मैंने सोचा कि उनमें रिव्यू शेयर करूँ। और फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर में वीडियो को शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, ये सारी साड़ियाँ बनारसी सिल्क में हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं। इनका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले मैं जो आपको साड़ी दिखाने जा रहा हूँ पिंक कलर में है, कुछ इस तरह से। अभी मैंने इसको ओपन करके भी नहीं देखा है क्योंकि ये ना फोल्ड नहीं बहुत अच्छे से हो पाती हैं, तो मैंने सोचा था मैं रिव्यू करूँगी तो ही मैं इसको ओपन करूँगी। बहुत ही खूबसूरत है, कुछ इस तरह से देखिए पहनने पे लगेगी। बहुत प्यारी साड़ी है और ये अंडर 1000 में है तीनों साड़ियाँ। और इन साड़ियों का जो क्वालिटी है भी काफ़ी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि 1000 में है तो क्वालिटी वाइज ये अच्छी नहीं, बहुत ही प्यारी हैं, फिनिशिंग बहुत अच्छी है। मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से है, पिंक कलर में है और गोल्डन कलर की छोटी छोटी बूटियाँ हैं और बॉर्डर बहुत अच्छा दे रखा है। तो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले देखिए ये ब्लाउज फैब्रिक दिया है कुछ इस तरह से, बॉर्डर के पे ये दिया है, सेम जो बॉर्डर साड़ी में दिया है वो इन्होंने स्लीव्स के लिए दिया है। और प्लेन कलर का ही ब्लाउज है और ब्लाउज सेम फैब्रिक में है जो साड़ी का पूरा फैब्रिक है। तो कुछ इस तरह से ब्लाउज है, ब्लाउज का भी इन्होंने देखिए लेंथ काफी अच्छा रखा है। कोई हेल्दी लेडी है या कोई इजिली फिट आएगा, काफी अच्छा लेंथ है इस ब्लाउज का। जैसे नॉर्मल और साड़ियाँ आती हैं सिफॉन की, जॉर्जेट की, उनका इतना सिल्कत नहीं रहता, बट इसका ब्लाउज काफ़ी अच्छा दिया है। और साड़ी कुछ इस तरह से है, मैं एक बार पूरा आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ऊपर बॉर्डर नीचे दिया है और ये देखिए कुछ इस तरह से नीचे दिया है। बाकी पूरी साड़ी में ये छोटी छोटी, मैं पास दिखा दी, छोटी छोटी बूटियाँ दी गई हैं और फिनिशिंग बहुत अच्छी है। ये देखिए पूरी साड़ी सेम छोटी छोटी बूटियाँ हैं और बॉर्डर दे रखा है। और इसका पल्ला पोर्शन जो है कुछ इस तरह से देखिए गोल्डन कलर में दे रखा है और पिंक कलर का जो साड़ी का पिंक कलर है सेम उसी से, ये देखिए मैं पास से दिखाती हूँ, फ्लावर से बना रखे हैं। तो ये अगेन बहुत प्यारी साड़ी है, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है और बनारसी है, सिल्क है तो बहुत प्यारा है। और ये देखिए ये इसका जो पल्ला पोर्शन है और ये साथ में ये देखिए ये बॉर्डर दे रखा है और साड़ी में सेम पूरी बॉर्डर जो दे रखी है वो सेम ही पल्ला पोर्शन पे दे रखा है। बहुत ही प्यारी साड़ी, मैं इसको बोलूँगी अंडर 1000 में, बहुत ही खूबसूरत है और पहनने के बाद बहुत ही प्यारी लगेगी। ये देखिए इसके साथ आप ग्रीन ज्वेलरी या गोल्डन ज्वेलरी कोई भी ज्वेलरी टीम अप करेंगे, बहुत ही प्यारी साड़ी जाएगी, पहनने के बाद बहुत ही अच्छी लगेगी। मुझे अच्छा लगा था तो मैंने ले लिया था। वैसे मैं पिंक कलर की बहुत कम साड़ियां लेती हूँ, मुझे लगता है कि नहीं, बट ये कलर बहुत ही खिल के आएगा पहनने के बाद। अगर किसी वेडिंग फंक्शन के लिए लेना है किसी को या कोई ब्राइड है उसे लेना है तो वो भी ले सकती है। बहुत ही प्यारी साड़ी है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बाय द वे, किसी को लेना है तो वहां से जाके चेकआउट कर सकता है। मैं अगेन बोलूंगी कि हाईली रिकमेंड करूंगी कि बहुत ही प्यारी साड़ी है अंडर 1000 में, कलर बहुत ही प्यारा है। और पिंक कलर जो आता है ना, ये एक सेम पिंक में आता है, चुपता है और थोड़ा ऑड सा लगता है, बट ये बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है। और ये जो फिनिशिंग पूरी साड़ी में देखिए, बहुत अच्छी फिनिशिंग हुई है। और पीछे से भी देखिए, कहीं चुभने फंसने का कोई इशू नहीं होगा, बहुत प्यारी साड़ी है। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी ये, फर्स्ट टाइम मैं पिंक कलर की साड़ी ली है। मुझे लगता है कि मेरे ऊपर पिंक नहीं अच्छा लगा, मैं मोस्टली डार्क कलर लेती हूँ, येलो, रेड, डार्क ब्राउन कलर, बट इस बार मैंने पिंक कलर की ली है। तो देखते हैं पहन के कैसा लगेगा, मैं पहन के दिखाऊंगी तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत है साड़ी, तो मैं इसको भी बोलूंगी कि अगर कोई परचेस करना चाहता है, किसी को अंडर बजट बहुत ही प्यारी साड़ियाँ लेनी है बनारसी, तो आप इसको जरूर लीजिएगा। तो मैं आपको सेकंड साड़ी दिखाती हूँ। जो सेकंड साड़ी है अगेन वो भी बहुत प्यारी है, ये रेड कलर की है कुछ इस तरह से। इस साड़ी का प्लस पॉइंट क्या है कि इस ये मुझे 999 में मिल गई है, बट इसके जो और कलर की साड़ियां हैं वो सारी 6000, 5000, 800 समथिंग, नॉर्मली 6000 में सब थी, बट सेम ये, बट ये रेड कलर का था तो ये 999 में था मुझे, बट रेड कलर की ही साड़ी लेनी थी।
क्योंकि स्काई ब्लू था, पिंक था, मजेंटा कलर था, ग्रीन कलर था, बट मुझे रेड लेना था तो इसलिए मैंने ये चूज किया है। बट 1000 में बनारसी, और बहुत सॉफ्ट वाला है इसका जो फैब्रिक है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छे से वीविंग हुई है, पल्ला पोर्शन बहुत अच्छा है, मल्टी कलर साड़ी भी इसको बोल सकते हो, कई कलर यूज किए गए हैं, तो बहुत प्यारी साड़ी है। थोड़ा आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो जैसे मैंने इसको भी अभी ओपन करके मैं देखा था, क्योंकि ना ये साड़ियाँ फोल्ड नहीं होती बहुत इजीली, तो मैंने सोचा था मैं रिव्यू करूंगी तो ही मैं ओपन करूंगी। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं इसका पल्ला पोर्शन दिखाती हूँ। पल्ला पोर्शन बहुत ही प्यारा है, मुझे मैंने ऑर्डर किया था तो मुझे नहीं पता था कितनी अच्छी निकलेगी, बट रियली बहुत प्यारी साड़ी, बहुत खूबसूरत है। अगर किसी को ना विदाई के लिए भी लेनी है, अगर कोई रेड कलर की साड़ी चाहता है लेना, तो उसके लिए भी ये परफेक्ट है। जैसे मैंने बोला कि ये मुझे 999 में इसलिए मिल गई है क्योंकि रेड कलर था, तो इसका 999 है। बाकी इसके जो अदर कलर है, सारी साड़ियाँ 6000 या 7000 या फिर 5800 समथिंग, ऐसे ऐसे में मैं लिंक डाल दूंगी, अगर किसी को चेकआउट करना तो चेक कर सकता है। ये देखिए पल्ला पोर्शन कुछ इस तरह से इसका पल्ला पोर्शन है। जैसे मैंने बोला कि मल्टी कलर कई कलर यूज किए गए हैं, पिंक है, ग्रीन कलर है, ऑरेंज कलर है, रेड कलर है, और ब्लू कलर भी देखिए दे रखा है, तो बहुत ही मल्टी कलर, काफी कलर यूज किए गए, बहुत प्यारी साड़ी है। और इसमें देखिए पल्ले पे इन्होंने ये टेंसल से भी लगा रखे हैं, जिससे साड़ी का लुक और भी प्यारा आ रहा है। ये भी अगेन बनारसी में है, और ये देखिए विविंग बहुत अच्छे से की गई है, फिनिशिंग बहुत अच्छे से, पीछे से भी देखिए पीछे कुछ ऐसा नहीं लगेगा चुभने उपटन, और फ्रंट सामने से तो बहुत ही प्यारी साड़ी है, और कलर बहुत अच्छा है, गोल्डन कलर में है, छोटी छोटी बूटियां दे रखी है। पल्ला पोर्शन कुछ इस तरह से, अगेन मैं दिखाती हूँ, ये देखिए पल्ला पोर्शन है। जैसे मल्टी कलर मैंने बोला कि कई कलर यूज किए गए हैं, तो आप किसी भी चूड़ी, किसी मल्टी कलर चूड़ियों के साथ, ग्रीन पिंक या रेड कलर के साथ चूड़ियों के साथ या ज्वेलरी के साथ टीम अप करके पहनेंगे तो बहुत ही प्यारी लगेगी। मैं एक बार आपको पूरी साड़ी दिखाती हूँ, कुछ इस तरह से है। बॉर्डर देखिए, ये बॉर्डर दे रखा है, बहुत प्यारी साड़ी है, और लेंथ भी पिंक वाली साड़ी का भी लेंथ काफी अच्छा है, और विड्थ और इस सेम इस साड़ी का भी काफी अच्छा लेंथ है। और ये सॉफ्ट वो भी बहुत है, ऐसा नहीं कि बनारसी साड़ी तो बहुत हैवी हैवी सी रहेगी, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है इसका, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और ये देखिए, ये जो बॉर्डर इन्होंने कुछ इस तरह से दिया है, देखिए बॉर्डर पे भी ग्रीन पिंक ऑरेंज और मल्टी कलर कलर यूज किए हैं, और बीच में ये देखिए पूरी साड़ी में जो प्लेट्स या पल्ले पे आएगी वो ऐसे दिखाती हूँ, ऐसे छोटे छोटे से बूटे इन्होंने जरी का अंदर से पूरा विविंग कर रखा है, ग्रीन कलर पिंक कलर दे रखा है, तो बहुत ही प्यारा है। मैं इस साड़ी को ग्रीन ज्वेलरी ग्रीन बैंगल्स के साथ टीम अप करूंगी, तो पहनने के बाद बहुत ही खिल के आएगा मुझे लग रहा है, तो बहुत प्यारी साड़ी है। ब्लाउज फैब्रिक इसका कुछ इस तरह से देखिए, सिंपल सा ब्लाउज फैब्रिक दिया है, क्योंकि साड़ी जो है काफी हैवी है, कई कलर यूज किए हैं, तो इसलिए इन्होंने आई थिंक ब्लाउज काफी सिंपल दिया है। और ब्लाउज में ये देखिए, ब्लाउज में इन्होंने बॉर्डर भी नहीं दिया है, ब्लाउज पूरा प्लेन दे रखा है, कुछ इस तरह से है, ये देखिए रेड और गोल्डन कलर में, बट ब्लाउज का भी लेंथ इसका काफी अच्छा है। बट जो पिंक कलर की साड़ी, ये साड़ी है, इसका बहुत ही अच्छा ब्लाउज का लेंथ दिया उन्होंने, तो अगेन ये भी साड़ी बहुत प्यारी है। अगर मैं बोलूंगी कोई लेना चाहता है तो वो ले सकता है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी इस साड़ी का, इसमें कई कलर अवेलेबल हैं, तो अगर किसी को लेना है तो वो वहां से जाके चेकआउट कर सकता है। तो अगेन ये भी साड़ी मुझे बहुत प्यारी लगी, ये देखिए पहनने के बाद कुछ इस तरह से लगेगी। और जैसे मैं बता रही हूँ कि अगर किसी की शादी होने वाली है तो वो जरूर इस साड़ी को ले, पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगेगी, और विदाई के लिए भी अगर किसी को लेना है तो ये बहुत ही प्यारी अंडर बजट में बहुत खूबसूरत साड़ी है। तो मैं आपको अगेन दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरह से देखिए पूरी साड़ी में छोटे छोटे ऐसे ऐसे जरी से जो इन्होंने ये बूटे वर्क कर रखे हैं, और बॉर्डर दे रखा है कुछ इस तरह से मल्टी कलर में ऊपर नीचे, और पल्ला पोर्शन भी सेम मल्टी कलर में है, बट इसका ये देखिए वर्क जो काम कर रखा है इस साड़ी के पल्ले में, बहुत ही प्यारा काम कर रखा है। ये देखिए कुछ ऐसे इसमें देखिए लीफ फ्लावर्स पैटर्न, ऐसे कुछ जो पैटर्न बनाए हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ लास्ट साड़ी, ये साड़ी भी अगेन मुझे बहुत प्यारी लगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ लास्ट साड़ी अगेन मैंने पिंक कलर में और नेवी ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन में लिया है, ये भी मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने ले लिया है। ये भी अगेन बनारसी ही है, क्योंकि भी जैसे वेडिंग है घर में तो साड़ियाँ यूज ही होती रहेंगी, और फिर फंक्शन भी स्टार्ट हो जाते हैं, और जितनी साड़ियाँ हो उतनी कम रहती है, तो कुछ इस तरह से ये साड़ी भी है। मैं भी इसको ओपन करके दिखाती हूँ आपको पूरा,
ये साड़ी कुछ इस तरह से है। ये जैसे मैंने बताया कि नेवी ब्लू और पिंक कलर के कलर कॉम्बिनेशन में है, तो ये देखिए ब्लू कलर का ये पूरा ब्लू और गोल्डन में ऐसे इन्होंने पल्ला पोर्शन दे रखा है। और ये देखिए नीचे चौड़ा सा ऐसे अमिया शेप का जो मेहंदी में डिजाइन लगाते हैं सेम दे रखा है पल्ला पोर्शन पे पूरा बॉर्डर, और ऊपर प्लेन सा नीचे चौड़ा बॉर्डर दिया ऊपर थोड़ा पतला बॉर्डर दिया है सेम जैसी साड़ी में है। और साड़ी देखिए ऊपर ये प्लेन सा पतला बॉर्डर दिया है बट नीचे जो प्लीट्स में आएगा वो काफी चौड़ा बॉर्डर दिया है और बहुत ही खूबसूरत उसमें काम किया गया है। कुछ ये देखिए अमिया सा बना है नेवी ब्लू में पिंक कलर का इन्होंने कॉम्बिनेशन दिया, और ये जो ऊपर प्लीट्स हैं ऐसे स्क्वायर में डॉट डॉट से ऐसे शेप बना रखे हैं। और इस साड़ी की भी फिनिशिंग बहुत ही प्यारी है, कहीं लगने वगने का चुभने उभने का कोई थ्रेड नहीं निकला है पूरी साड़ी में, बहुत प्यारा है। और पूरी साड़ी में ये देखिए ऐसे बूटी सा इन्होंने दे रखा है पिंक के ऊपर गोल्डन कलर में ये बूटी सा बना रखा है। तो ये भी साड़ी अगेन देखिए बहुत ही प्यारी है, कुछ इस तरह से पूरी साड़ी है। देखिए पतला सा ऊपर बॉर्डर आएगा जो पल्ला पे आएगा ऐसे, और जो नीचे प्लीट्स में आएगा ये देखिए काफी नीचे चौड़ा बॉर्डर दिया है, तो जिससे साड़ी का लुक और भी अच्छा लगेगा। और ब्लाउज फैब्रिक इसका जो है इन्होंने सेम ब्लू कलर में दिया है, और जो पिंक कलर में पूरी साड़ी में इन्होंने बूटियां छोटी छोटी सी बना रखी हैं सेम ब्लाउज में भी उन्होंने ही ये दिया है। और पतला जैसे सेम पल्ला पोर्शन पे है, ऊपर पतला बॉर्डर दिया है और नीचे ये चौड़ा सा बॉर्डर दे रखा है, सेम पल्ला और ब्लाउज का मिक्स सेम है क्योंकि जो पल्ला पोर्शन है वो भी ब्लू कलर में है और ये ब्लाउज फैब्रिक जो दिया है वो भी ब्लू कलर में है। और इसका भी ब्लाउज फैब्रिक अच्छा है, काफी अच्छा है, बट पिंक कलर की जो मैंने फर्स्ट साड़ी दिखाई आपको उसका ब्लाउज बहुत ही अच्छा है, काफी अच्छा लेंथ दिया है, बट ये रेड कलर में और पिंक कलर में उतना अच्छा लेंथ नहीं दिया। मैं बोलूंगी कि अगर कोई पिंक कलर की साड़ी लेना चाहता तो वो जब फर्स्ट मैंने साड़ी दिखाई वो बहुत ही अच्छी है, ये ओके है, बट ये जो रेड कलर की है ये भी बहुत ही प्यारी और बहुत खूबसूरत साड़ी है, अगर किसी ब्राइडल को लेना है तो वो जाके ले सकती है। तो ये तीनों साड़ियाँ मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी और अंडर 1000 में थी तो मैंने लिया था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं रिव्यू शेयर करूँ, मैं भी किसी के लिए हेल्पफुल हो ये वीडियो। सो फ्रेंड्स आज का ये मेरा अमेजॉन साड़ी हॉल वीडियो कैसा लगा आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ किसी नए प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ,